हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 का फिनाले आ गया है नज़दीक। 15 अगस्त को आप देखेंगे इंडियन आइडल सीजन 12 का फिनाले। लेकिन फिनाले से पहले अरुणिता ने आखिर क्यों कह दी पवनदीप को इश्क वाली बात, अपने दिल की बात, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के फिनाले से पहले अरुणिता ने आखिरकार बोल ही दिया कि पवनदीप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे अरुणिता ने गाना गाया आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। जैसे ही अरुणिता का गाना ख़त्म हुआ, अनीता राज ने सीधा सीधा अरुणिता से पूछा कि इतना रोमांस कहाँ से आया, ये तो बता दो मुझे। जैसे ही अनीता राज ने ये बोला, अरुणिता पवनदीप की तरफ देखने लगी। अरुणिता ने कहा, नहीं मैम, मैं तो बस ऐसे ही गाना। लेकिन अनीता राज ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकती, कुछ तो बात है। और वहाँ बैठे हुए पवनदीप ऐसे अपना सर हिला रहे थे कि मानो अरुणिता पकड़ी गई हो। जिसके बाद अनीता राज ने कहा कि आई थिंक शी इज इन लव। जिसके बाद आदित्य नारायण अरुणिता के पीछे से निकलते हुए जाकर पवनदीप के पास बैठ गए। साफ हो चुका है दोस्तों कि अरुणिता और पवनदीप का रिश्ता बहुत गहरा है, दोनों का प्यार सच्चा है। और यही वजह है कि दोनों के गीतों में, दोनों की आवाज़ में, दोनों के संगीत में उसी प्यार की झलक अब देखने को मिलने लगी है। और हर कोई इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख लेता है, जैसे अनीता राज और धर्मेंद्र पाजी ने भी देख लिया। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।